एसके न्यूज नेटवर्क मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप, जिसमें आज की खबर अति महत्वपूर्ण और अति आवश्यक खबर है। जी हां, मंदसौर जिले के ग्राम आकोदरा से यह खबर है, जहां श्री मन कामेश्वर महादेव मंदिर में पुजारी देवेंद्र गिरी द्वारा भक्तों को निःशुल्क रुद्राक्ष बांटे गए। वही रुद्राक्ष को लेने के लिए कई भक्त और युवा यहां पहुंचे और सर्वप्रथम बाबा भोलेनाथ की महाआरती करी। उसके बाद पुजारी देवेंद्र गिरी द्वारा यहां भक्तों को निःशुल्क रुद्राक्ष बांटे गए। रुद्राक्ष हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। इसका संबंध भगवान शिव से है। हिंदू धर्म के मानने वाले इसके पूजा भी करते हैं और बहुत लाभकारी भी। जानकारों की माने तो रुद्राक्ष धारण करने से व्यक्ति के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। यह बहुत ही लाभकारी भी है, परंतु इसे धारण करने से पहले आपको इस विषय में जान लेना जरूरी है कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। भगवान शिव ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की और किसी कारणवश जब उन्होंने आँख खोली तो उनकी आँखों से आंसू निकल पड़े और इन्हीं आँखों से आंसुओं से रुद्राक्ष के वृक्ष की उत्पत्ति हुई। इसी वजह से यह पवित्र और पूजनीय है। रुद्राक्ष को कलाई, कंठ और हृदय पर धारण किया जा सकता है और कलाई पर धारण करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। वही रुद्राक्ष का एक दाना धारण करते वक्त ध्यान रहे वह हृदय तथा लाल धागे में होना चाहिए। यह बात पुजारी देवेंद्र गिरी द्वारा भी कही गई थी। रुद्राक्ष धारण करने से पहले शिव जी को समर्पित करना चाहिए और एक मुखी रुद्राक्ष यह साक्षात शिव का स्वरूप माना जाता है। सिंह राशि वालों के लिए अत्यंत शुभ होता है। वही यहाँ पर एक मुखी, दो मुखी और तीन मुखी, चार मुखी, पांच मुखी, छह मुखी और सप्त मुखी और आठ मुखी, नौ मुखी, दस मुखी, ग्यारह मुखी, इस प्रकार कई रुद्राक्ष मुखी ग्रह इस तारतम्य में है। एसके न्यूज नेटवर्क के लिए आकोदरा से अशोक पाटीदार की रिपोर्ट।